झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लग गई है। वो 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता लेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला हुआ। अब सवाल ये है कि चंपई को बीजेपी में ना शामिल करने का फैसला हां में कैसे बदल गया, इसके पीछे किसका हाथ है, और सबसे मेन बात कि चंपई के बीजेपी में शामिल होने से फायदा कितना होगा। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चंपई सोरेन की अमित शाह से मुलाकात बहुत पहले ही होनी थी जब वो दिल्ली आए थे, लेकिन किसी कारण से नहीं हुई। राजनीति के जानकार बताते हैं कि चंपई को बीजेपी में शामिल करने का पहले कोई प्लान नहीं था। मसलन बीजेपी नहीं चाहती थी कि चंपई को बीजेपी में जगह मिले, लेकिन फिर खबर आती है कि चंपई सोरेन की मुलाकात अमित शाह से हो गई है और वो बीजेपी शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब यही आता है हमारा पहला सवाल कि चंपई को बीजेपी में न शामिल करने का ये जो फैसला था वो हां में कैसे बदल गया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का। माना जा रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा के कारण ही सोरेन को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बारे में पूरी जानकारी खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने ही एक्स पर लिख कर दी है। उन्होंने बताया है कि चंपई सोरेन आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। अब सवाल है कि चंपई के बीजेपी में शामिल होने से फायदा कितना होगा, तो पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले, चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी कोल्हान क्षेत्र में मजबूत होगी। कोल्हान क्षेत्र झामुमो का गढ़ है। चंपई कोल्हान के बड़े नेता हैं और उनके आने से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। दूसरा, चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झामुमो के बड़े नेता हैं। उनके बीजेपी ज्वाइन करने से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव प्रचार में बीजेपी के पास एक बड़ा कद्दावर नेता होगा जो सीधे हेमंत सोरेन को टारगेट कर सकता है। तीसरा, हेमंत सोरेन के खिलाफ चंपई सोरेन भाजपा के स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। चुनाव से कुछ समय पहले ही उन्होंने सीएम पद छोड़ा है। ऐसे में हेमंत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चंपई सोरेन तीखा हमला बोल सकते हैं। चौथी पॉइंट है, जहां चंपई सोरेन संथाली आदिवासी है, सोरेन परिवार की ताकत यही आदिवासी समूह है। चाहे वो संथाल का इलाका हो या कोल्हान का, संथाली आदिवासियों का वोट ही झामुमो की ताकत है। चंपई के बीजेपी में आने से संथाली वोटर भाजपा का रुख कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट, जहां स्टार प्रचारक के तौर पर चंपई सोरेन सरायकेला से दुमका तक आदिवासी वोटर्स को साध सकते हैं, बतौर सीएम उन्होंने खुद की छवि बनाई है, उनके समर्थकों का नया वर्ग पनपा है। अब देखना यह है कि बीजेपी में जाने पर चंपई को संथाली आदिवासियों का कितना समर्थन मिलेगा। कुल मिलाकर के 14 सीटों पर चंपई का दबदबा है। पोटका, घाटशिला, बरहागोड़ा और ईचागढ़ जैसी सीटों पर तो विधानसभा चुनाव में 10 में से 30,000 तक के अंदर से जीत हासिल होती रही है। ऐसे में चंपई के भाजपा में शामिल होने से सरायकेला के 3, पश्चिमी सिंहभूम के 5 और पूर्वी सिंहभूम के 6, कुल 14 विधानसभा सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चंपई की ईचागढ़ में जबरदस्त पकड़ है। यहां तक कि आदित्यपुर, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां भी चंपई हमेशा जीत दर्ज कराते रहे हैं। ऐसे में चंपई के आने से कोल्हान में झामुमो को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल कोल्हान में 11 विधायक झामुमो के हैं, जबकि कांग्रेस से मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा के सरयू राय विधायक हैं। चंपई की आदिवासी समुदाय युवा मतदाताओं पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। इन अटकलों के असर में ये भी देखने को मिल रहा है कि बारगोड़ा के झामुमो विधायक समीर महंती को खुलकर ये स्पष्टीकरण देना पड़ा है कि वो दल नहीं बदल रहे हैं। हालांकि चंपई के भाजपा में जाने से पार्टी के लिए ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं होगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम में पहले से ही भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में चंपई का आना पार्टी के अंदर एक नया समीकरण खड़ा कर सकता है। सूत्रों के अनुसार खबर ये भी है कि चंपई के आने पर अपनी अपनी जगह को लेकर के जो बाकी सारे नेता हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं। कुल मिलाकर के चंपई का भाजपा में जाना राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आने वाले समय में जो भी होगा उसकी खबर आपको सबसे पहले मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.